काव्या सनी न्यूज से मैं नुपुर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना नजर के सामने से होकर गुजरी, जहां गणेश विठल नामक एक पिता ने अपने 3 वर्ष के पुत्र को गला दबाकर हत्या कर दी और खुद भी अपने गले पे चाकू से वार किया ताकि वो मर सके। और उसने अपने एक पत्र में भी लिखा कि मेरे और मेरे बेटे की अर्थी को एक साथ ले जाया जाए और एक साथ दफना दिया जाए। जी हाँ, इसके पीछे का कारण क्या है वो हम आपको बता दें। तो गणेश विठल पीने वाला था, शराब काफी पीता था और नशे की लत में रहता था। ये अलग बात है कि वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था, लेकिन पत्नी अक्सर कहा करती थी कि आप पीना बंद कर दो, क्योंकि पीने के बाद आदमी आदमी नहीं रहता, वो हैवान बन जाता है। और ऐसे में जो नशा की लत होती है उससे शायद आप वंचित नहीं, आप समझ सकते हैं। आदमी को खुद पता नहीं चलता कि वो क्या बोलता है, क्या करता है और किस पे हाथ उठाता है। यही बात हो गई थी अभी कुछ दिन पहले की। अगर हम बात कर दें तो हनुमान जयंती के दिन कुछ ऐसा हुआ जब दोनों में काफी लड़ाई हुई। लड़ाइयां पिछले बार भी होती थी, हर बार होती थी, जब जब पत्नी कहा करती थी आप पीना छोड़ दो। पति उस समय तो हाँ में हाँ मिलाते, लेकिन बाद में उनकी आदत छूटती नहीं, क्योंकि लत जब एक बार चढ़ जाता है, नशा जब एक बार चढ़ जाता है तो उतारे नहीं उतरता। वो तो पीने वाले ही जाने कि इसके पीछे की खासियत क्या है, लेकिन धीरे धीरे इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। और कंट्रोल कर पीने से पहले ही लोगों को सोचना चाहिए कि जब बुरी चीज है उसकी लत क्यों लगाई जाए। पहले लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पिलाते हैं और फिर ऐसी लत लग जाती है कि पॉकेट से पैसा देते देते इंसान गरीबी की तरफ बढ़ जाता है। खैर, पत्नी का नाम है काजल। काजल से हनुमान जयंती के दिन काफी लड़ाई हुई। उस दिन भी उनके पति पीकर आए और काजल अक्सर मना करती थी। उस दिन भी उसकी गुस्सा इतना बेकाबू हो गया कि वो कहने लगी कि आप बार बार बोलते हो कि पीना छोड़ देंगे और पीते नहीं। दोनों पति पत्नी में इतनी लड़ाई हो गई थोड़ी सी इसी में। और अहम जो होता है ना, वो जब नाक से और सर से ऊपर गुजर जाता है तो इंसान इंसान नहीं रहता। उसके पति पत्नी पे हाथ उठा दिए और मारपीट चालू हो गई। किसी पत्नी पे अगर हाथ उठा दिया जाए वो भी सबके सामने, तो ये किसी को भी नागवार गुजरेगा। बातों का अगर सिलसिला हो तो बातों की शब्द शब्द और शब्द से लड़ाई होनी चाहिए और शब्द से शब्दों को काट दीजिए। यहाँ पे हाथ उठाने वाली बातें कहाँ से हो गई। यहाँ पुरुषों में एक बात समझ में आता है, अक्सर अगर महिलाओं के साथ तू तू मैं होता है, अगर घर की महिलाएं हैं तो वह हाथ क्या उठाना, जूता भी उठा देते हैं। ऐसे पुरुषों के भी अपने भारतवर्ष में कमी नहीं है और सोचते हैं हम बहुत महान हैं, हमने तो अपनी पत्नी को जूते से मार डाला। खैर, उसने भी अपनी पत्नी को सबके सामने पीटा और ये पिटाई इतनी भयंकर हो गई कि गुस्सा बेकाबू हो गया और उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। गुस्सा इंसान से क्या नहीं करा देता है, इस पे कंट्रोल रखना बड़ा ही जरूरी है। अब देखिए, पत्नी तो चली गई, अब भाई साहब से तो बच्चे कहां से संभलेंगे, 3 साल का बच्चा। और पत्नी ने ध्यान भी थोड़ा नहीं दिया कि पियक्कर पति के पास अगर अपने बच्चे को छोड़ देंगे तो पता नहीं अंजाम क्या होगा, क्योंकि बददिमाग के पास बच्चे को कभी भी छोड़िए नहीं। ये तो काजल की गलती थी, काजल को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो एक माँ थी, एक माँ होकर के अपने 3 साल के एक मासूम बच्चों को हैवान के पास छोड़कर और चली गई। गुस्सा उनका बेकाबू हो गया, ये तो कोई भी समझ सकता है और समझने की बात थी, लेकिन फिर भी एक माँ को कंट्रोल करना बड़ा ही जरूरी था। पिता से बच्चा कैसे संभले, 3 साल का बच्चा, कहीं लैट्रिन अगर होती है तो नेचुरली उसे पूछना भी तो पड़ेगा, उसे दूध पिलाना भी तो पड़ेगा, समय पे जो भी बच्चे की दिनचर्या है उसका नाज और नखरा तो उठाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में वो जिम्मेदारी से बिल्कुल हाथ झटक दिए और सोचे कि अब सबसे बेहतर है मरना ही कबूल कर दिया जाए। और ऐसे में उसने अपने एक भाव के पास पत्र लिखा और पत्र में सारी बातें जो अभी अभी मैंने बताई कि दोनों को एक साथ दफनाना, दोनों की मंजिल एक साथ हो, अब इसको किसके सहारे में छोड़ो, मैं अकेला पड़ गया, यानी कि भाई साहब शराब नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी बच्चे का भी छुड़वा देंगे और खुद भी मर जाने को तैयार है। ये उनके लिए बड़ा ही आसान है जिंदगी को खत्म कर देना, लेकिन ये नहीं था कि पत्नी से जाकर के माफी मांग ले और कभी ना शराब पीने की कसम खा ले, ये उनसे नहीं हुआ। और ऐसे में वो बच्चे का गला, पत्र लिखने के बाद बच्चे का गला दबा दिए और खुद भी चाकू से अपने गले पे वार किया। पुलिस को ये बात पता चली और भाई साहब को अस्पताल में एडमिट कराया गया।
इन दिनों भाई साहब की स्थिति क्या है, वो जिंदा है भी या नहीं है, कहना अभी मुश्किल है। लेकिन गौर करने की बात है कि एक पिता से बच्चा संभलता नहीं, ये मानना होगा, पूरे भारतवर्ष को मानना पड़ेगा हमारी ये बातें। हाँ, उसमें 10% पुरुष को अलग कर दीजिए, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, और 10% महिलाओं की बात कर दीजिए, हम उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम घर में ऐसा देखा गया है कि जिम्मेदारी तो महिलाएं बखूबी निभाती रही हैं और निभा रही हैं। आज की तारीख में भी घर की जिम्मेदारी कौन निभाता है? भाई साहब, कोई भी घर के भाई साहब हो, वो पति हो, पिता हो, या पुत्र हो, या भाई हो, पढ़ते लिखते हैं और जॉब पे चले जाते हैं। सुबह उनको टिफिन चाहिए, शर्ट में साफ चाहिए, फीचा हुआ चाहिए, प्रेस चाहिए, बटन टूटा है तो लगने का चाहिए, टिफिन चाहिए, चले गए नौकरी करने और पैसे कमा कर आए, नखरे देख लीजिए, फिर सामने से सारी जिम्मेदारी महिलाएं उठाती हैं। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, खाना खाने टेबल पर बैठ गए, अब वेटर का काम है कि आपके खिदमत में वो लगे और उसके बाद पैसे दे दीजिए, आप चले आए। ये तो पैसा आज महिलाएं भी कमा रही हैं, लेकिन पैसा कमाने वाली महिलाएं भी घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं, निभा कर जाती हैं ड्यूटी पर, और ड्यूटी से आती हैं तो भी उनको निभाती हैं। वो समझती हैं कि घर है, किस पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चे की आदत बिगाड़ देते हैं काम न करने की। आज अगर उस पिता की, जिनका नाम गणेश विट्ठल है, अगर उनको आदत होती टॉयलेट साफ करने की, बच्चे को गोद में पुचकारने की, बच्चे को सुलाने की, तो ये कदापि ये दिन नहीं आता कि वो विचलित हो जाते और अंत में सोचे कि चलो 3 साल के बच्चे की हत्या कर देते हैं तो ये टॉयलेट नहीं करेगा। क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी संभालना बड़ा ही मुश्किल है, सरल नहीं है, जितने लोग सरलता से बोल देते हैं। मैं तो इतना कहती हूँ कि कोई महिला 10 दिन के लिए अपने मायके चले जाए सारे बच्चों को छोड़कर, फिर घर की स्थिति देख लीजिए, डमाडोल हो जाएगा। कपड़े उधर बिखरे पड़ेंगे, कपड़े उधर गंदे पड़ेंगे, घर का जो भी किचन का मामला है वो भी आपको वैसा ही होगा। जब आएंगे वो तो घर की सफाई होती है, ऐसा मैंने देखा है। हाँ, आया रखकर काम कराना बड़ा ही आसान है, तो आया रखकर तो कोई भी कराएगा, लेकिन घर चलेगा कैसे? खैर, ये बड़ी ही दुख की बात है कि जब एक पति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देते हैं। मुझे याद आ रहा है फिल्म थप्पर, जिसको अनुभव सिन्हा ने बनाया था, उस वक्त हमने इस पर गौर उतना नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे इसका एहसास हुआ कि अनुभव सिन्हा ने जरूर कुछ इसके अंदर की बातों को, पीड़ा को भोगा होगा, समझा होगा, तब उस पे इतने पैसे लगाकर एक फिल्म का निर्माण हुआ। इस थप्पर जैसे न जाने कितने फिल्म बने और आज भी बनेंगे, बन रहे हैं, लेकिन पुरुष भाई को यह समझ में क्यों नहीं आता कि महिलाएं कोई जानवर नहीं, जिससे अगर कोई थोड़ी मुंह लगी बात कर दे तो आप थप्पड़ चला देंगे। बात बराबर की आती है, महिला और पुरुष दोनों गाड़ी के दो चक्के हैं और दोनों को स्ट्रांग रहना बड़ा ही जरूरी है। थप्पड़ तो महिला के पास भी आप पर जर सकती है, क्योंकि 7 फेरे के रिश्ता में दोनों का बराबरी का हक दिया गया है। आप रामायण का पन्ना उलट लीजिए, वहां भगवान श्री राम ने कहा था कि सीते, आप हमारे बराबर में हो। अगर आप हमारा पहली नाइट में, जब माँ सीता गई थी चरण स्पर्श करने, तो उन्होंने रोक लिया था और कहा था, सीते अगर आप चरण स्पर्श करोगी तो दोनों हम लोग बराबर हैं, हमें भी आपका चरण स्पर्श करना चाहिए। जब श्री राम, भगवान श्री राम ऐसा बोल सकते हैं, तो यहाँ पे बैठे हुए हमारे भारत के जितने भी महान पुरुष हैं वो ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, या जो आम पुरुष हैं वो क्यों नहीं कह सकते, या जो खास पुरुष हैं वो क्यों नहीं कह सकते? तो यहाँ युग और अहम कि महिलाएं कुछ नहीं है, महिलाओं से घर चलता है, इतना तो सभी लोगों को सोचना होगा, और सोचना होगा थप्पड़ उठाने से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि एक एक थप्पड़ ऐसा कर दे कि घर को बिल्कुल वीरान कर दे और महिला अपनी मंजिल खुद ही चुनाव करे कि मुझे उस मंजिल पे नहीं, मुझे उस रास्ते पे चलना चाहिए, फिर घर कैसे चलेगा। तो कृपया करके भाई साहब लोगों से यही हम कहना चाहेंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा इस्तेमाल करने के पहले सोचे कि आगे आने वाला कल जो आएगा वो कैसा आएगा, और अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। गलती की है तो माफी मांगने में शर्म कैसा, और महिलाएं उतनी गलती नहीं करती हैं, लेकिन आज की तारीख में महिला की रास्ते जो डगमगा रहे हैं उसे संभालना आपका काम है। क्योंकि आपके घर में महिलाएं हैं, महिला आक्रोशित नहीं होती है, वो सहन शक्ति होती है, एक सहन की देवी होती है, वो सहती है, लेकिन कब तक इंसान सहे,
पानी भी अगर नाक से ऊपर चले तो वो खत्म हो जाता है और इंसान उसमें डूबने लग जाता है। ऐसे ही अगर डुबकी लगाती रही महिलाएं आपके गुस्से से जिस दिन बेकाबू हो गई, तो फिर आपके घर का नजारा क्या होगा और आपकी जिंदगी जो अभी सुचारू रूप से चल रही है, इसका जुर्माना कौन भरेगा? आप भरेंगे या आने वाला वक्त भरेगा? ये सोचना आपको होगा। और ये कल हर जगह ये काजल नाम की लड़की ना हो और उसे काजल बनने मत दीजिए, ऐसा गुस्सा मत दीजिए कि वो चली जाए। और गणेश विट्ठल ने जो भी किया वो ना माफी के लायक है और कोई भी उनको जो सजा मिले वो भी बहुत ही कम होगा, क्योंकि एक मासूम की सजा उनकी माँ तो चली गई छोड़ के मार के डर से, वो मासूम किसको छोड़ के जाए? वो तो बैठा का बैठा है, गला टीप दे दिया एक पिता ने और उसके बाद अब रक्षक कौन है? चूंकि रक्षक ही तो भक्षक बन गया। बहुत ही तकलीफ की बात है कि ऐसे एक मासूम जिसने जिंदगी अभी जी ही कहा, देखा ही नहीं माँ पिता क्या होते हैं, और उसने इस तरह के मर्म में बेचारा कितना तरपा होगा वो आत्मा, 3 साल का नन्हा मासूम कितना तरफ तरफ के उसकी जान गई होगी। कृपया करके ऐसी जिंदगी विट्ठल जैसे लोग यहाँ पे पैदा ही ना ले। और अगर आपसे बच्चा नहीं संभलता है तो किसी ऐसे गोद में डाल दीजिए, किसी दूसरे के गोद में डाल दीजिए, ताकि वो जिंदगी तो जिए, आपकी जिंदगी आपके हाथ की, जो करना है कीजिए, लेकिन बच्चे को मारने की, उसकी हत्या करने की ऐसा गुनाह मत कीजिए।